हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल और नियरली इक्वल एनर्जी। जब इक्वल और नियरली इक्वल एनर्जी, मतलब जब समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं अपनी एनर्जी को चेंज करके, तो फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्वल और नियरली इक्वल एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। द न्यू ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस नए बनने वाले ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड द फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बनने के इस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। बनने वाले नए ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर एटॉमिक, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके नंबर के बराबर होता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू और हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और एक बार फिर से सभी हाइब्रिडाइजेशन को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो हाइब्रिडाइजेशन था हमारा, पहला जो हाइब्रिडाइजेशन जिस पर हमने बात किया वो है एसपी। व्हाट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। इस हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 1p ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग लेता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। टू न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। और दो नए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। टू न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। और इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। कहां पे जाके रिपल्सन सबसे मिनिमम होता है? 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर सबसे मिनिमम रिपल्सन पर पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वहां जाके रुक जाएंगे। एंड इट इज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। इन मॉलिक्यूल 50% कैरेक्टर ऑफ एस ऑर्बिटल एंड 50% कैरेक्टर ऑफ डी ऑर्बिटल। और इस मॉलिक्यूल में 50% एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा और 50% डी ऑर्बिटल का कैरेक्टर भी होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल, 1s और 2p ऑर्बिटल इस समय हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना में पार्टिसिपेट करता है। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3 नए sp2 संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। और बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, मतलब मिनिमम रिपल्शन का एंगल कहां पर जाकर बनेगा इलेक्ट्रॉन के बीच? 120 डिग्री पर जाके रुकेंगे। मतलब तो मिनिमम रिपल्शन एंगल इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉन्ड एंगल 120 और शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर ट्रायगोनल। अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। प्लेनर ट्रायगोनल इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। ठीक है, 33.33% कैरेक्टर ऑफ एस ऑर्बिटल एंड 66.67% कैरेक्टर ऑफ पी ऑर्बिटल। देन हमने बात किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल, 1s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल। 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। 4 नए sp3 संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज
टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। समचतुष्फलकी, समचतुष्फलकी शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल एंड द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। 109 डिग्री 28 मिनट इन मॉलिक्यूल 25% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ऑर्बिटल एंड 75% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ऑर्बिटल और बनने वाले मॉलिक्यूल में 25% एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा और 75% पी का होगा। मतलब 100 को हमने चार हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो एस का एक ऑर्बिटल था तो 25 उसको दे दिया और 75 पी ऑर्बिटल को दिया, तीन पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो 25% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ऑर्बिटल एंड 75% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स आर देयर। ओके, देन इसके बाद हम लोगों ने बात किया sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s3p एंड 1d ऑर्बिटल, 1s3p और 1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर पार्टिसिपेट करता है। 5 न्यू sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, 5 नए sp3d संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। 5 न्यू sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और अणु की आकृति समतल त्रिकोणी द्विपिरामिडी होती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब त्रिकोणी द्विपिरामिडी होती है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल 3 ऑफ 120 डिग्री, 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं, 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। 3 बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड 2 बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री इन मॉलिक्यूल। 100% कैरेक्टरिस्टिक्स को पांच हिस्से में आपको डिवाइड करना है, तो 20% ऑफ एस, 60% ऑफ पी एंड 20% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, 20% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर क्विकली हम लोग एक बार और इसको रिव्यू करें तो एसपी लीनियर 180, एसपी 2 प्लेनर 120, एसपी 3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, एसपी 3D 3 ऑफ 120 डिग्री, 2 ऑफ 90 डिग्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर ट्राइगोनल, तो था ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो प्लेनर ट्राइगोनल और उसके साथ साथ बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की। तो ये क्विक रिवीजन लिया हमने इसका। अब बात करते हैं अगले हाइब्रिडाइजेशन पर। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अगला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2, sp3d2 इन केस ऑफ sp3d2, नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s3p एंड 2d ऑर्बिटल्स, 2d ऑर्बिटल्स। तो इसमें 1s3p और 2d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s3p एंड 2d ऑर्बिटल्स, ओके। और टोटल ऑर्बिटल्स कितने जो फॉर्म हो रहे हैं, एक s का 3, तो एक 4 और 2 6, 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, ठीक है। 6 नए sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, ओके। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल और अणु की आकृति कैसी होगी, अष्टफल की होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो 1s3p और 2d ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। 6 नए sp3d2 संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब अणु की आकृति अष्टफल की होती है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल, ओके। और ऑक्टाहेड्रन में बॉन्ड एंगल जो बनेगा, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल सभी कितने के होंगे, 90 डिग्रीज के, सॉरी, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये बातें हो गई इन मॉलिक्यूल। अब क्या करना है, 100 को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। इन मॉलिक्यूल
तो 16.66% आ जाएगा, 16.66% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 16.66% कैरेक्टर ऑफ एस ऑर्बिटल, तो 16.66% कैरेक्टर ऑफ एस ऑर्बिटल्स, ओके, और 16.66 चला गया एस के पास। अब पी के कितने ऑर्बिटल हैं, तीन हैं, तो 16.66 इंटू थ्री करेंगे तो अबाउट 50% आ जाएगा, 50% कैरेक्टर ऑफ पी ऑर्बिटल, तो ये हो गया पी ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर एंड 33.33% ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो ये आ गया आपका डी ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक्स। 100 को 6 पार्ट में डिवाइड करके जिसका जो शेयर है उसको दे देना है। एस का एक था तो 16.66% हो गया, पी के तीन थे तो 16.66 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इट इज अबाउट 50% है ना, और 33.33% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं अगले हिस्से पर, तो एक एग्जांपल लेते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग केवल वो एग्जांपल ले रहे हैं जो सबसे सिंपल है, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के टिपिकल मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार सभी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए तब उस स्टेप पर हम काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, SF6। तो सल्फर इज द सेंट्रल हियर, और सल्फर का जो कॉन्फिगरेशन बनेगा बैलेंस सेल का, इट इज अबाउट 3s2 3p4, तो देखो 3s2 3p4, ये हुआ 3s2 3p4 का ग्राउंड स्टेट लेबल। अब ग्राउंड स्टेट की जो सिचुएशन है इसको क्या कहते हैं हम, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग इसके पास दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अभी दो जगह पे वो शेयर कर सकता है, और हमको कितने शेयर करने के लिए चाहिए, 6 फ्लोरीन जोड़ना है, तो मतलब हमें 6 स्पेस वैकेंट चाहिए, है ना, ये सब चीजें भी सीखना है आगे, इनका हमें काम पड़ने वाला है। तो ये हो जाएगा देखो 3s1 3p3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से मैंने डी में शिफ्ट किया, तो ये हो गया 3d2, इट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इट इज 3s1 3p3 3p3 और 3d2, तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, है ना। अब यहां पे आराम से आप 6 फ्लोराइड को शेयर कर सकते हो, तो 6 फ्लोरीन ने शेयर करके क्या किया, SF6 बनाया, और हाइब्रिडाइजेशन लेबल क्या है, एस पी में 3 और डी में 2, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये एग्जांपल हुआ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब बात करते हैं शेप के बारे में, तो शेप के लिए मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि थोड़ा सा बैठ करके आराम आराम से पेंसिल से ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो SF6 में ये इसके जो है सिचुएशन, इसके जो एटम्स हैं वो, अब मिनिमम रिपल्शन जो कि यहां पे 90 डिग्री है वहां पर आकर के सिचुएट हो गए हैं, ठीक है। तो दिस इज SF ज्योमेट्री ऑफ SF6, ये ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री है SF6 की, ये पूरा ओवरऑल इस तरीके से फाइंड आउट होगी, है ना, इट इज SF6, तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है SF6 और हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3d2, क्लियर। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 90 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इट इज अबाउट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगले हाइब्रिडाइजेशन पर बात करते हैं,
तो अगला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3 रेगुलर में। अब अगले हाइब्रिडाइजेशन पर हम बात करने वाले हैं वो है sp3d3। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं, अबाउट sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 में स्टार्टिंग बिल्कुल सेम तरीके से हमने हर चीज को पॉइंट आउट करके पॉइंट वाइज लिखा है, जिससे कि आसानी से बात आपको समझ में आएगी किसमें क्या चीज हो रही है। ठीक है, जैसे बुक्स में देखेंगे तो एक साथ सबको मैच कर दिया है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है वहां पे, तो इसलिए सभी पॉइंट्स को अलग अलग कर दिए। और हमारा मेन जो एम है, मुख्य जो हमारा काम है, वो ये है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सभी चीजें आपको डिस्टिंक्ट हैं वहां के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, लेकिन उसमें यह भी है कि जब तक आपको सिंपल तरीके से सभी चीजें नहीं आएगी, आप सभी चीजों को नहीं जानते हैं, तो क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर आपको एक बार पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से बना लेंगे। और मैं भी हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई चीज ऐसी ना रहे, कोई बात ऐसी ना रहे जो मैं छोड़ दूं या छूट जाए। कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे कभी इंटरस्टेनियस मूड में कोई बात आती है तो वो वहां पे बता दिया। अब अगर नहीं आया इस साल तो ऐसा नहीं कि वो चीज मिस हो जाएगी, वो जहां पर थी वहां पर तो आएगी ना। जैसे आइसोमॉर्फ की एक बात थी तो आइसोमॉर्फ जहां पे है वहां पे आएगा। ठीक है, तो इस सब चीजें ध्यान रखनी है कि मेरा भी जो सेटअप रहता माइंड का वो ये रहता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो बाहर से आ जाए और जो आपको ना पता हो। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए केमिस्ट्री में जिसके कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है। लेकिन आपको मेरे साथ साथ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तभी तो आप सुपरसीड करेंगे इतने सारे बच्चों में से अपने आप को। ठीक है, तो देखिए sp3d3, व्हाट इज द कंडीशन इन sp3d3? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s 3p and 3d orbitals, intermixing of 1s 3p and 3d orbitals। तो 1s 3p और 3d orbital hybridization में participate करता है। नंबर टू, फॉर्मेशन ऑफ, तो ऐसा लिख दें हम लोग 1 और ये 3 कितने हो गए 4, 4 और 3 7, तो 7 न्यू sp3d3 hybridized orbitals are formed, okay। तो 7 नए sp3d3 hybridized orbital का formation हो जाता है। 7 new sp3d3 hybridized orbitals are formed। shape of molecule is और इस molecule का shape होगा, shape of molecule is pentagonal bipyramidal, shape of molecule is pentagonal bipyramidal। तो पंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना होती है इसकी, पंचभुजी द्विपिरामिडी आकृति होती है। shape of molecule is pentagonal bipyramidal इन मॉलिक्यूल, तो फाइव बॉन्ड एंगल ऑफ इन मॉलिक्यूल फाइव बॉन्ड एंगल ऑफ 72 डिग्री, और 5 बॉन्ड एंगल जो है वो 72 डिग्री के होते हैं, एंड टू बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के होते हैं और 2 बॉन्ड एंगल यहां पर 90 डिग्री के होते हैं। 5 बॉन्ड एंगल ऑफ 72 डिग्री एंड 2 बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा, 100 को 7 हिस्से में डिवाइड करना है और फिर जिसने जितना पार्टिसिपेट किया उसको उसका शेयर देना है। 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14.28 आ जाएगा, ठीक है ना, 14.28। तो 14 इन मॉलिक्यूल
14.28% character of s orbitals, 14.28% character of s orbital. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 43 से थोड़ा अबव आएगा, तो 42.85% character of p orbitals and 42.85 of d orbital and 42.85% of d orbitals or 42.85 d orbitals ka bhi characteristics hoga. So, theek hai, it is about the characteristics of the percentage of orbitals. So, intermixing of 1s and 3p and 3d orbital, intermixing of 1s, 3p and 3d orbital, 1s, 3p or 3d orbital hybridization mein participate karte hain. 7 new sp3d3 hybridized orbitals are formed, 7 naye sp3d3 hybridized orbitals ka formation hota hai. Shape of molecule is pentagonal bipyramidal, total jo shape hai wo pentagonal bipyramidal hai. A molecule 5 bond angle of 72 degree and 2 bond angle of 90 degree, or there is 14.28% characteristics of s orbital, 42.85% characteristics of p orbital, and as same as 42.85% characteristics of d orbital. Okay, so it is sp3d3 hybridization. Ye baat hui sp3d3 hybridization ki. Ab baat karte hain iske example ke bare mein. Jaise humne सबके अभी सिंपल एग्जांपल्स की बात की है, इसके लिए भी बिल्कुल सबसे सिंपल एग्जांपल जो है उसकी बात करेंगे. तो अगला इसका जो एग्जांपल है वो है IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड. तो अब मुझे आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. तो व्हाट इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन, तो कैसे बताया था मैंने आपको, फ्लोरीन को याद करो, फ्लोरीन कितना 2s2 2p5, ये फ्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 3s2 3p5 इज द क्लोरीन. ब्रोमीन कितना हो जाएगा 4s2 4p5 इज द ब्रोमीन. एक एक बढ़ाते जाना है आगे, है ना. और आयोडीन में कैसा हो जाएगा 5s2 5p5. तो ये मिल गया मुझे आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन, है ना. 53 होता उसका एटॉमिक नंबर, लेकिन अगर इतने दूर तक एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो भी काम हो जाएगा, लेकिन पता आपको रहना चाहिए. आप किसी भी चीज से ब्लैंक नहीं हो सकते हैं, ये सब आपको पता करके रखना है, क्योंकि पीरियडिसिटी हो गया है तो ये सभी बातें आपको परफेक्टली पता होनी चाहिए, है ना. अब बात करते हैं इस पे आगे के हिस्से पर. तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एटॉमिक नंबर 53. बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s2 5p5 इज द बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन. अब कितने फ्लोरीन यहां पे मुझे इसके साथ ऐड करने हैं, 7 फ्लोरीन इसके साथ मुझे ऐड करना है, मतलब 7 स्पेस ब्लैंक चाहिए मुझे, है ना. तो हाउ टू पॉसिबल, तो ये हुआ आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट इट इज 5s1 5p3 एंड 5d3. तो दिस इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये हुआ इसका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ 5s1 5p3, तो ये सब अब नए ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. sp3d3 तक का लेबल अब हाइब्रिडाइज्ड है, यहां से लेकर के sp3d3 तक, एंड ऑल ऑफ देम आर sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड. ऐसा मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर कैसा भी है तो पूरे के पूरे ऑर्बिटल sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड हैं अब, ठीक है. एंड देयर इज एडिशन ऑफ फ्लोराइड्स,
तो 7 फ्लोरीन को अब आप जोड़ सकते हो, और द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3 आयोडीन इसका सेंटर है, आयोडीन इज द सेंटर sp3d3, और जो पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री आती है वो उस टाइप की रहती है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। एक बार अच्छे से ड्रॉ करना है सभी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, और जब भी जैसे ही sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में आए तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो है पेंटागोनल बाईपिरामिडल होगा, ठीक है। अब फिर उसमें अभी आगे जाके चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एक जो क्राइटेरिया है ज्योमेट्री का, एक रेगुलर ज्योमेट्री जो है वो, जैसे sp3 तो टेट्राहेड्रल दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो टेट्राहेड्रॉन होगी, ठीक है। अब जो चेंजेस होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन एक जनरल क्राइटेरिया दिमाग में हमेशा बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो sp3d3 ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी बनेगी, एक पेंटागोन और दो इसके पास पिरामिड्स होंगे, देयर इज टू पिरामिड्स, है ना, ये और ये, तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। और ज्योमेट्री आपको भी ड्रॉ करना है, ऐसा मैंने बार बार बताया, इसका मतलब ड्रॉ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, देखिए ये आपका रेगुलर ज्योमेट्री का पूरा हिस्सा अब सिंपल मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल के साथ खत्म हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि इरेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इरेगुलर क्यों हो जाती है, व्हाई द ज्योमेट्री इज इरेगुलर, क्यों कहते हैं हम उसको इरेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर अब हम बात करते हैं इसके बारे में, अबाउट इरेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो अभी तक जैसे हमने sp3 पढ़ा, तो चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, और चार में एक एक, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, तो 1 1 1 4 हाइड्रोजन इज शेयर विद द ऑर्बिटल्स, चार हाइड्रोजन ने शेयर किया। एक बार फिर से देखो इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, तो इरेगुलर का मतलब क्या है, जैसे हम मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम है, अगर सीधे बैलेंस सेल को देखूं तो 2s1 2p3 ऐसा हुआ था एक्साइटेड स्टेट में, 2s1 2p3 इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। अब आप ये बात आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है, 2s2 2p2 था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो 2s1 2p3 हो गया, और ये इसने चार नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड लेबल का फॉर्मेशन किया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, चार नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, ठीक, एंड इट इज शेयर विद 4 हाइड्रोजन एटम, और इसने चार हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर भी किया, और चार हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर किया, और जब कोई एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके, व्हेन एन एटम शेयर विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम टू फॉर्म बॉन्ड, टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे चारों कैसे हैं, बॉन्ड पेयर हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं, बॉन्ड पेयर एंड देयर इज बॉन्ड पेयर, तो इट मींस ऑल द बॉन्ड पेयर आर देयर, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर कैसे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो जब सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन लेस रिपल्सिव फोर्स लगता है, और वो 109 डिग्री 28 मिनट पर जाकर के सबसे कम मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन में स्टेबल हो जाता है, तो इट इज स्टेबलाइज एट द मिनिमम रिपल्शन फोर्स, जहां पर रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होगा वहां पर जाकर स्टेबल हो जाएगा, ओके। तो क्लियर ना हो, अब ये बात हुआ
sp3 हाइब्रिडाइजेशन रेगुलर की जब हमने बात की थी। अब देखिए यहां पे इरेगुलर बात कैसे आई उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर मैं अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल 1s2 2s2 और 2p3। अब ये इसका बैलेंस सेल है 2s2 एंड 2p3 इज द बैलेंस सेल। अब नाइट्रोजन के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है नहीं, डी ऑर्बिटल उसके पास है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं सकते। तो जब वो हाइब्रिडाइज्ड होने लगेगा, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी लेवल इज एज सेम एज जैसे अभी हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि एस का जो इलेक्ट्रॉन है, एस टू की जो कंडीशन है 2s2 की, वो तो पेयर्ड है ही, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करेगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल, तो न्यू ऑर्बिटल में उसने फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, तो चार नए ऑर्बिटल तो बने। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, चार नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन तो हुआ। लेकिन क्या सिचुएशन आ रही यहां पे देखो, ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर विथ हाइड्रोजन, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ इक्वली शेयर किया। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, तीन जगह खाली है इसके पास शेयरिंग के लिए, ओनली 3 प्लेस इज वैकेंट फॉर शेयरिंग एंड देयर इज नो चांस ऑफ शेयरिंग। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा वो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 3 इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल एंड डू नॉट टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि वो तो पहले से ही पेयर्ड है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड तो कम से कम बना ही नहीं सकता है। तो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग लेबल में प्रेजेंट, बैलेंस सेल में प्रेजेंट अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है बॉन्डिंग सेल में, तो वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है एंड दिस इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब उसने बॉन्डिंग नहीं किया, उसने दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं आया, और जब दो डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं तो वहां पर बाय नेचर रिपल्शन कम होता है, लेकिन यहां पे एक ही स्पीसीज के दो इलेक्ट्रॉन एक साथ बचे हैं तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो देयर इज इंक्रीज इन फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहां पर रिपल्शन का फोर्स बढ़ जाएगा और फिर वो उस एंगल पर जाके मिनिमाइज करने की, जिस एंगल पर मिनिमम रिपल्शन होगा वहां पे जाके वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो द एंगल इज चेंज अंडर ज्योमेट्री इज चेंज, तो एंगल भी चेंज हो जाएगा और ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। इसलिए अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट द बॉन्ड एंगल इज नॉट 109 degree 28 minute, इट इज 106 degree 45 minute, बॉन्ड एंगल चेंज हो गया 106 degree 45 minute, रफली हम उसको 107 degree बोल देते हैं, बुक्स में आप देखोगे तो 107 degree मेंशन होगा और अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत वेरिएट भी कर सकता है, तो 107 degree का बॉन्ड एंगल होगा एंड दैट टाइम द शेप इज अगेन नॉट टेट्राहेड्रल, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इस पिरामिडल, और मॉलिक्यूल का शेप जो है वो पिरामिड जैसा दिखेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा, है ना, तो इसको कहेंगे पिरामिडल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो दिस इज कॉल्ड इररेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो यहां से बात आई इररेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की, अब बात समझ में आया। तो जब अगर लोन पेयर बचा है तो सेंट्रल एटम का रिपल्सन फोर्स, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा और वो उस मिनिमम रिपल्शन के फोर्स में जाने की कोशिश करेगा, तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा और शेप भी चेंज हो जाएगा, इट इज इररेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो पहली बात तो ये समझना था कि इररेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है। अब इररेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ VSEPR कॉन्सेप्ट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, उसके कुछ पॉइंट्स हमें चाहिए उसमें से, है ना, और हमारे जो बच्चे हैं प्लस टू वाले वो क्या करेंगे उसके कुछ पॉइंट्स अपनी बुक से भी मिक्स कर लेंगे, है ना।
एक दो पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगा, एक दो पॉइंट आप मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे जो काम है वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगली बात हम लोग करेंगे वी एस ई पी आर थ्योरी के बारे में, वी एस ई पी आर कॉन्सेप्ट। ओके, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अब आपको ये बात क्लियर है कि व्हाट इज द लोन पेयर, व्हाट इज द बॉन्ड पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो बॉन्ड पेयर, और जो बैलेंस सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लोन पेयर। ओके, तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वॉज गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम। तो पहले तो साइंटिस्ट का नाम लिख लेते हैं, गिलेस्पी और नाइहोम ने दिया ये कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम। और बात आपको क्लियर है कि जो लोन पेयर है उसके कारण कुछ डिस्टर्बेंस होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें इस कॉन्सेप्ट में हम लोग करने वाले हैं। तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एंड दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम। तो अब इन्होंने क्या क्या कहा उसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, पहली बात, द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर किसी मॉलिक्यूल में बचा हुआ है तो, किसी मॉलिक्यूल में अगर बचा है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप इसको, है ना, ऑन द सेंट्रल एटम डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, तो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं वो उस मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं, वो उस मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अगली बात, देयर इज द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल ईच अदर। और जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल ईच अदर। एंड द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो मुझे चाहिए, है ना, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो है वो लोन पेयर के बीच है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोन पेयर, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन मिनिमम रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन है वो सबसे कम है,
बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. ओके तो क्लियर नाउ. तो एक बात क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल एक बात ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा होगा सेकेंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर आएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो नेचुरली रिपल तो करेंगे ही, ठीक है. लेकिन अगर दो डिफरेंट स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके बीच रिपल्शन कम होता है, और अगर सिमिलर स्पीसीज के दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो उनके बीच रिपल्शन ज्यादा होता है. तो द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज देयर लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो सबसे कम होता है, ठीक है. तो ये सेकंड बात हो गई. एक दो चीजें और नोट कर लेते हैं. हायर द एंगल लेस लोअर द रिपल्सिव फोर्स, तीसरी बात, हायर द एंगल जितना एंगल ज्यादा आएगा, हायर द एंगल लेस द हायर द एंगल लेस द रिपल्सिव फोर्स, लेस द रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स उतना कम होगा, एंगल जितना ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स उतना कम होगा, हायर द एंगल लेस द रिपल्सिव फोर्स. अब देखिए कुछ चीजें ऐसे बता देते हैं, जैसे ऐसा कहा कि अगर जो एटम है वो सराउंडेड है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली बाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो रिपल्शन कम होगा. व्हेन एटम इज सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो रिपल्शन थोड़ा बढ़ जाएगा. व्हेन एंगल इज सराउंडेड बाय मेनी लोन पेयर तो रिपल्सिव फोर्स और बढ़ जाएगा. रिपल्सिव फोर्स मतलब जितना लोन पेयर बढ़ता जाएगा रिपल्सिव फोर्स उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है. जैसे मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन अमोनिया आया तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 106 डिग्री 45 मिनट हो गया. उसकी ज्योमेट्री भी चेंज होकर के कैसी हो गई, उसकी ज्योमेट्री भी चेंज होकर के कैसी हो गई थी, पिरामिड जैसी हो गई थी, तो उसकी ज्योमेट्री भी पिरामिडल हो गई थी, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं VSEPR कॉन्सेप्ट से, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से. तो क्या क्या ध्यान रखना है, अगर सेंट्रल एटम केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड है तो रिपल्सिव फोर्स कम होगा और वो रेगुलर ज्योमेट्री को शो करेगा. इफ देयर इज सम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट देन इंक्रीज द रिपल्सिव फोर्स एंड द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज बाय द नॉर्मल बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल उस कंडीशन में जब रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल से कम हो जाएगा. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. तो due to presence of one lone pair of electron, the bond angle is decreased by 2.5 degree from normal bond angle. Okay? तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इफ देयर इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम के पास अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका बॉन्ड एंगल लगभग 2.5 डिग्री से कम हो जाएगा. देखो जैसे मीथेन के अंदर जब हमने बात किया था तो क्या सिचुएशन थी, कोई लोन पेयर नहीं था, नो लोन पेयर ओनली बॉन्ड पेयर इज देयर, तो बॉन्ड एंगल कितना आया 109 डिग्री 28 मिनट. अब जैसे ही आप अमोनिया की बात करोगे तो देयर इज अ लोन पेयर, अमोनिया के पास एक लोन पेयर आ गया, तो देयर इज लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम, और
इससे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज द रिपल्सिव फोर्स एंड बॉन्ड एंगल इज नियरली 106 degree 45 minute। जब आप वाटर की बात करोगे तो वाटर के पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ये सब स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देयर इज टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लगभग 5 degree कम हो जाएगा, एक लोन पेयर से 2.5 degree कम होता है, 2 से 5 degree कम हो जाएगा, तो 100 9 28। देखो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अभी समझ में नहीं भी आ रहा हो तो आप अभी इसको ध्यान रखिए, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैंने बोला है ना, तो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड बट हियर बॉन्ड एंगल इज 109 degrees 28 minute, हियर बॉन्ड एंगल इज 106 degree 45 minute एंड इन केस ऑफ वाटर द बॉन्ड एंगल इज 104 degree 5 minute, 104 degree 5 minute ऑफ बॉन्ड एंगल इन वाटर। तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, जितना रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल उतना कम होता जा रहा है, ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स जितना बढ़ेगा बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा, ओके। और अगले लेक्चर में फिर हम, अब ये हमारा पूरा रेगुलर और इररेगुलर ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, इट इज VSEPR कॉन्सेप्ट तक हमने पढ़ लिया, अगले लेक्चर में हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो सिंपल हैं, जो टिपिकल हैं, जो ऑर्गेनिक है, सबके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में वन बाय वन बात करेंगे एंड द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स। ओके कमांडोस, थैंक यू।